टाइम देना चाहिए ना, थोड़ा मम्मी कह रही तैयार पहले होने दे। बताना चाहिए, मैं ऐसी होके घूमती रहती हूँ। मम्मी नेचुरल ब्यूटी दिखानी चाहिए मुझे। देखो मैंने मुंह नहीं धोया सुबह से, मुंह नहीं धोया, नहा धो के बैठा रहा झूठे। बट मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं अपने छोटे भाई से बहुत सुंदर हूँ। क्या बोल रहा है? चाय पी के खेलता है बहुत मजा आता है। अभी गाइस ये सो के उठा ना, बोल रहा है इसको कोई औरत दिख रही थी साइड में सोते हुए। कौन थी? मुझे लगा घर वाले गाँव चले गए। और नहीं, मैं मुझे ऐसा लगा भी मेरे साथ कोई सो रहा था, तो मुझे थोड़ा यकीन सा नहीं हुआ। मुझे लगा मैं कहीं हूँ वादी हूँ यार। सपने भी इसका ऐसा आता है कोई साथ में सो रहा है। तो अपने आधी भागते नंगे मेरे पीछे। इसके सपने में इसके पीछे नंगे आधी भागते हैं। पानी क्यों सुबह वर्कआउट करने आना है? ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा दुनिया से अलग हो चुका हूँ और आज तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग रहा है मुझे। बट कोई नहीं, सुबह वर्कआउट करने में भाई अपना ही अलग मजा है। मस्त वर्कआउट करके तो सेक्सी वाली नींद आती है ना, ऐसे बेहोश होने की जरूरत नहीं होती। मस्त जिसे कहते हैं ना प्रॉपर नींद, वो आती है उसके बाद आराम से सो, रिलैक्स हो गए। चीज नोटिस करी मेरी किस्मत इतनी बुरी चल रही है ना आजकल, कि जहां भी जाता हूं ना मिरर गंदा ही मिलता, कहीं पे फोटोज क्लिक करने का मौका ही नहीं मिल रहा। और एक चीज और इंटरेस्टिंग बताऊं, रात को वर्कआउट करा था, उसके बाद में सुबह फिर से आ गया। चला रन देखो, आप लोगों को एक चीज बताऊं, बॉडी सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं बनती, ये सब भी खाना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास अंडे, दही और ये ब्रेड का पैकेट रेडी हो रहा है। और यहाँ पे ये है अपने पास घी, जो कि मेरा एक चम्मच रहता है डेली का, अब वो मैं कैसे भी खाऊं। चम्मच घी डाल दिया, 3 अंडो का ऑमलेट बनाएंगे। ये है अपनी डाइट, ऑमलेट साथ में दही दिखा दी। ये है डाइट, सिंपल मेरा ही चलता है। घर के अंदर जो भी खाना बना होता है ना, रोटी चावल, वैसे मैं ज़्यादातर चावल ही खाता हूँ क्योंकि चावल मेरे फेवरेट हैं। और उसके बाद मैं कुछ भी पड़ा हो, दही हो कुछ भी हो, सब खा जाता हूँ मैं। बस बाहर का जंक फूड नहीं खाता, एक अच्छी आदत है। बस बाल कटवाने जा रहा हूँ मैं। क्यों भाई, पागल नहीं तो लग रहे? नो पक्का कटवा लूँ? एक भाई ये पता नहीं है मेरी मम्मी बेताल की तरफ व्लॉग ऑन होती है, कहाँ से जाती हो? गुस्सा मत करो, हार होगी, बाल कटवा के। हेलो गाइस, बहन तो गाड़ी ले लेके पेट्रोल डाल के पैसे के लोगों के पास। अबे क्या लग रही है भाई, इसने नई स्कूटी ली है? नहीं नहीं 6 महीने हो गए, पुरानी पुरानी वाली। बहुत पैसा, अबे चल ले। क्या कह रहा, पेट्रोल लगाने के पैसे नहीं है गाड़ी में? गाड़ी की टंकी नहीं आ रही है पेट्रोल की, पता है भाई अंदर जाने के लिए गाड़ी है। काम आएगा मेरे बाल कटवाएगा, दूसरे लेके जा रहा हूँ। अब ऐसी जगह पे तू गाड़ी लाने ही कह रहा था, कैसे लेके आता बंदा? चौड़े रास्ते भी है ना। एक्सपेरिमेंट क्या करना है ये बता दो। मछली पालन चल रहा है। अरे बताओ, बढ़िया लगना चाहिए उसके बाद। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शैम्पू और कंडीशनर करके आया, उसके बाद सिंपली मैंने ड्रायर करा इनके अंदर और बाल एकदम ऐसे छोड़ दिए। तो आज आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल आजकल बड़े स्मूथ और सिल्की से रहते हैं, तो उसके लिए मैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ जो कि मुझे हेयर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप अपनी हेयर ग्रोथ करते हो तो उनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक बेस्ट शैम्पू एंड कंडीशनर मामाअर्थ के दो प्रोडक्ट। तो सबसे पहला है मेरे पास यहाँ पे शैम्पू एंड साथ में उसके कंडीशनर। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मामा अर्थ ऑनियन शैम्पू, जो कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल में हेल्प करता है।
जैसे हम अपने बालों में शैम्पू का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में हमें 2 से 3 मिनट तक कंडीशनर लगा के रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास मामा अर्थ ऑनियन कंडीशनर एंड यहाँ पे भी आपको सारी चीजें मेंशन करी गई है अच्छे से, सारी डिटेल्स आपको मेंशन हो जाएगी एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज करे गए हैं वो सारे आपको मेंशन है। आप देख सकती है मामा अर्थ की सारी चीजें यहाँ पे हमें मेंशन मिल जाती है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, साथ में आपकी ऑल हेयर टाइप है यानी कि आपका कोई भी हेयर टाइप है इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले हमें जरूर चेक करना चाहिए कि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। तो अगर मामा अर्थ की बात करें तो मामा अर्थ के अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके बालों को डैमेज करेगा। मामा अर्थ ऑल प्रोडक्ट आर प्लास्टिक फ्री और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है कि मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और इन प्रोडक्ट्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं करा जाता है, जिससे कि मैं इजिली इस पर ट्रस्ट कर पाता हूँ। अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये आपको इजिली अवेलेबल हो जाएंगे नायका, पर्पल, अमेजोन और साथ में आप इसको मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। ये थे हमारे मामा अर्थ प्रोडक्ट जो कि हमारे बालों को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बात करते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं ARY2022 फॉर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। अगर आप एडिशनल डिस्काउंट्स एंड एक्स्ट्रा ऑफर्स भी देखना चाहते हैं तो आपको ये बाय करना पड़ेगा मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेस्ट ऑफर है आपके लिए कि नियर बाय किसी भी ऑफलाइन स्टोर पे जाके आप इजीली बाय कर सकते हैं क्योंकि अब मामा अर्थ के प्रोडक्ट सारे नियर बाय स्टोर्स पे अवेलेबल हैं। मेरे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है। क्या कर रही हो मम्मी? चाय बना रही हूँ। चाय नहीं बनाऊंगी तो मेरा खून नहीं कर देगा। अरे वाओ, आई लव यू। अच्छा लग रहा है यार। क्या अच्छा लग रहा है? ये सॉल, ये तो बहुत सॉफ्ट है मम्मी। हाँ तू भी तो सॉफ्ट है। मेरा चाय गंदी मत कर देना, तू चाय वही मत करा देना, ये इस बात का ध्यान रखना। मम्मी यार मैं ही करता हूँ हर चीजें हैं। तू ही करता और कौन करता है? और बताओ मम्मी अपने बारे में कुछ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कुछ बताओ। क्या बताऊँ? कुछ भी। कुछ भी तो कुछ भी नहीं है। आज कोई राज बता दो अपना। मेरा राज है? मेरा राज तो एक ही है, सारा दिन काम करना तुम्हारे लिए। चाय पिलाना, रोटी खिलाना, नुआना धुआना, तुम्हारा कपड़े धोना। पर ना तो तुम ही देते, अब तो बड़े हो गए, कपड़े तो धोने पड़ते हैं ना। अपने कपड़े तो मैं पूरे धोता हूँ। अरे भाई अपनी मम्मी की सब बच्चे देख रहे, जितने वीडियो देख रहे, अपनी मम्मी की जरूर मदद करना। इसकी तरह मत रहना पागल की तरह। देखो चाय तो बहुत मिल जाएगी मगर माँ के हाथ की चाय कभी नहीं मिल सकती तुम्हें, है ना मम्मी? माँ जब प्यारी लगती है तो काम करती है सारा। कितने बड़े होटल में चले जाओ बट मम्मी के हाथ की चाय नहीं मिलेगी, है ना मम्मी? चेक करो, करोड़ रुपए खर्च कर लो पर तेरी चाय तो छुड़वा दी मैंने। अब तो कम पीता हूँ मैं। अब तो सिर्फ 2 टाइम जैसे हम पीते हैं वैसे ही पीता हूँ। बहुत तड़फता था चाय के लिए, बहुत ज्यादा। तो मेरे को बांध के रखते थे कुत्ते की तरह? नहीं बांध के तो नहीं रखा घर, पर ऐसे आधे सुधारती चिल्लाता रहे, हमें इग्नोर करते रहे बातों को। तो गाइस देखो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने, मम्मी घर पे नहीं है तो अपना मस्त एंजॉय करूंगा, चाय पीऊंगा क्योंकि अभी घर पे तो बना नहीं सकता मैं। घर पे बनाऊंगा, घर पे अगर चाय बन आज का सीन क्या है कि देखो घर पे कोई नहीं है तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ कहाँ पे चाय पीने, अकेले जाना पड़ेगा जब घर पे कोई नहीं होगा। बनाने का मन नहीं कर रहा, फिर दूध भी लेके आना पड़ेगा और इतनी मेहनत कौन करे, फिर अच्छी बने ना बने, इसलिए मैं सोचता मैं आज अभी बाहर पीने जाऊँगा अकेले। सेल्फ लव तो होता है इतना भरा है ना मेरे अंदर खुद के लिए प्यार, कभी कभी लगता है खुद को ही शादी कर लूँ, खुद को ही पक्के हो बट पहुँच नहीं पाता यहाँ तक। स्कूटी खराब हो गया है थोड़ी सी, ये और इतना प्यारा व्यू लगता है ना गाइस यहाँ से जाते हुए, मतलब ना देखो सर्दियों में निकलने का तो नुकसान ही है, ये बालों की हालत देखो, मतलब क्या ही बोलूं मैं। मट्टी कितनी है? मट्टी 5 रुपए देना, 3 दे दो अंकल जी। हाँ सुबह कर दो, बैंक डाउन है 20 रुपए। अकेले आगे चाय पियो गाइस, अगर आप देखो क्यूट क्यूट पपीज भी है। ओए चाय पियोगे? चलो गाइस के लिए चांस हो रहा है और इसको देखो
वही क्या कर रहा था कान पे। चलो बढ़िया है, चाय वाले भैया के पास ना एकदम साइड में, यहाँ पे देखो इनका इनको भाई ऐसा ऐसा कर दिया बड़ों में यहाँ।